वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने वाला है, आप अपनी तैयारी के बारे में कुछ बताइए। जी, हमारी तैयारी सभी की, पूरी टीम की हमारी बहुत अच्छी तैयारी हुई है, आगे देखते हैं, पर लेकिन हमने अपनी तरफ से पूरी अच्छी तैयारी करी है। रिजल्ट भगवान के हाथ में, हमने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि मेरा तो पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो मैंने काफ़ी मेहनत करी कि मैं जूनियर से इसी साल में सीनियर हुई हूँ। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप हम सबके लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मेडल आएगा तो हमें ओलंपिक का कोटा मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने पूरी मेहनत करी और अभी हमारे पास 20 दिन हो रहे हैं, हम इन दिनों में भी कमी नहीं छोड़ेंगे और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो हमारी कमी थोड़ी बहुत है भी वो इस 20 दिन में पूरी कर लेंगे। ओके, एक इंजरी हुई थी आपको पहले, उसके बाद आपने कमबैक किया, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा है आपके लिए? पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि जब मेरे कंधे में इंजरी हुई थी उसके बाद मैं एक कंपटीशन में नहीं गई थी, जो कि बेलारूस गई थी टीम, उसमें मैं नहीं गई। तो फिर पहले मैंने अपना शोल्डर ठीक किया और उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू की तो बीच बीच में थोड़ा दर्द भी होता था, पर लेकिन मैंने पूरा ठीक करके, इतना मैंने पैर की एक्सरसाइज पूरी करी और फिर जब मेरा कंधा ठीक हुआ उसके बाद मैंने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है और अब मैं एकदम फिट हूँ और आगे हमारे पास काफ़ी दिन है, उन दिनों में मैं और ज़्यादा फिट हूँ। आपने पहले मेंशन किया ओलंपिक ईयर है, तो उसका एक कुछ प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के लिए आप कैसे डील करते हैं, प्रिपेयर कैसे करते हैं? तब मेरे कंधे में चोट लगी थी, थोड़ी सी इंजरी हुई थी उसके, तब मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मेरे पास थोड़ा शायद कम टाइम है क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट पे हूँ, पर लेकिन जल्दी रिकवर हो गया और अब मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ खुल के लड़ना है, नतीजा देना भगवान के हाथ में, क्योंकि हमने मेहनत पूरी करी है। और डरेंगे तो मैं पहली कुश्ती भी निकाल पाऊंगी, इसलिए डर मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मन में सिर्फ ये है कि जो मैंने इतने साल की मेहनत, ये नहीं एक दो महीने की मेहनत, ये जो यहाँ पे मुझे दिखानी है, ये मुझे अपने बचपन से लेके जो मेहनत करी है वो आज तक की सारी मेहनत दिखानी है, इसलिए डर का कोई नाम नहीं है। बस ये थोड़ी, इतना बड़ा कंपटीशन है उसके लिए थोड़ी बहुत है कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँ। कोई खास रेसलर्स आपकी माइंड में जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं? चैलेंज तो तीन चार है, कुंबा है, एक लैपिज है 68 में कनाडा की, और एक दो और है पर लेकिन देखा जाएगा सबको, और एक दिव्या काकरान में तो हुई, वो भी यही बोल रहे होंगे, इसलिए सारी तकड़े हम कोई भी हल कर। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको।